हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 16 फरवरी 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ कुछ एमसीक्यूज है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारा डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ है आज वो आई है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2018 के बारे में। तो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उनको एक बार एक नज़र से देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें पॉइंट ये है कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है वो इंडिया में आज दिल्ली में आयोजित हो रहा है और आज ये स्टार्ट हो रहा है 16 फरवरी को है, सॉरी। तो इसको लेके न्यूज़ है, तो हमें इसके बारे में बेसिक पॉइंट को थोड़ा ध्यान में रखना है। अब देखो आपके दिमाग में होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल गोल कौन से हैं, क्योंकि ये यूपीएससी पूछ सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्हें मेनली 2030 तक हमें मतलब अचीव करना है। 2030 तक का टारगेट रखा गया है कि भाई 17 गोल्स रखे गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उनको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम प्लान्स बना रहती हैं और 2030 का इनका टारगेट है वो रखा गया था। तो एक बार इनको हम मद्देनजर देख लेते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जो यूपीएससी पूछ सकती है। तो देखो मेनली 17 हैं, तो 17 तो सारे हमें याद रखने हैं नहीं। अगर आप देख सकते हो जो इंपॉर्टेंट्स है, सबसे पहले तो मैं बताना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो पहला है वो तो है गरीबी को, कि गरीबी हटानी है। दूसरा है वो है भूखमरी को हटाने के लिए, और तीसरा है वो है हेल्थ से रिलेटेड, और जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो एक तो है जेंडर वाला, ये हमें ध्यान रखना है, एजुकेशन और इसी के साथ जो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। देखो ये मेनली 7 हैं, ये तो आपको ध्यान में होने चाहिए जो इंपॉर्टेंट्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पहला गरीबी से रिलेटेड है, दूसरा भूखमरी से है, तीसरा हेल्थ से है, चौथा एजुकेशन से, पांचवा जेंडर इक्वलिटी से है, और उसके बाद छठा है वो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, और सातवा है क्लीन एनर्जी से लेके। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है क्योंकि इस पे यूपीएससी क्वेश्चन से वो पूछ सकती है। तो अब समिट हो रहा है, इसमें किस चीज़ पे फोकस किया जाएगा? देखो ये समिट मेनली इसलिए हो रहा है ताकि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जो ग्लोबल लीडर्स हैं, थिंकर्स हैं, वो यहाँ एक जगह आके मिल सकें और आपस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बातचीत कर सके कि भाई एनर्जी के लिए किस तरीके के स्टेप उठाने हैं, अभी कौन कौन सी चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, इन्वायरमेंट के सामने भी कैसी सिचुएशन है, बारिश इनरेगुलर हो रही है, कुछ एरिया में बारिश ज्यादा हो रही है, तो वहां किस तरीके के स्टेप्स हैं। तो मतलब मेन काम इसका ये है कि भाई इस पे एक तरीके से रिव्यू वगैरह होगा, जान आपस में बातचीत वगैरह होगी डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में। और थीम क्या है वो इस बार की काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2018 की थीम क्या है। थीम है वो है पार्टनरशिप फॉर रिसाइलेंट प्लेनेट। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस पर यूपीएससी क्वेश्चन से वो पूछ सकती है, क्योंकि तो यूपीएससी आजकल थीम वगैरह पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछ रही है। तो ये चीज़ हमें थोड़ी यहाँ पे ध्यान रखनी है। जैसा कि मैंने बताया अभी कि काम क्या होगा मेनली, क्लाइमेट चेंज हुआ, लैंड डिग्रेशन, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, पोल्यूशन, इन सारी चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। अब चलते हैं हम अगली न्यूज़ की तरफ। अगली जो न्यूज़ है वो है यूनाइटेड नेशन इंडोसोल प्रोजेक्शन रिपोर्ट के बारे में। तो देखते हैं कि क्या तो यह रिपोर्ट है और क्यों ये रिपोर्ट जारी की गई और किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। तो देखो सबसे पहली बात यह है कि यूनाइटेड नेशन जो इंडोसोल जो प्रोजेक्शन रिपोर्ट है यह जारी की गई बीबीसी के द्वारा। अब बीबीसी क्या है? बीबीसी है वो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग एक कॉरपोरेशन है, मतलब यूके का या सूर्य बोल सकते हो कि ब्रिटेन का एक ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, उसके द्वारा यह रिपोर्ट हो जारी की गई। तो इसमें यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना कि भाई यूएन ने जारी किया, नाम में यूएन है, तो हमें इस चीज़ से बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, जारी की गई है बीबीसी के द्वारा। अब इसमें किस रिपोर्ट में क्या दिया गया है यूएनआईटी, इस रिपोर्ट में मेनली इस चीज पे फोकस किया गया है कि भाई बेंगलोर है उसमें पानी की समस्या बढ़ने वाली है। इंडिया की जो सिटी है टॉप 11 सिटी वर्ल्ड की छानी गई है, मतलब 11 सिटी को काउंट किया गया, उसमें बेंगलुरु सेकंड नंबर पे रखी गई है कि जहां पे आगे फ्यूचर में पानी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आने वाली है, मतलब पानी के क्राइसिस है वो आने वाले हैं। तो इसको लेकर न्यूज आई है कि रन आउट फॉर ड्रिंकिंग वाटर की समस्या यहाँ पे होने वाली है। क्यों होने वाली है बेंगलुरु में? इसके रीजन ये दिए गए हैं कि यहाँ तक तो बहुत फास्ट गति से अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण हुआ है, इसके साथ ही ग्लोबल वार्मिंग का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, और यहाँ पे जो पीने के लिए पानी के लिए जो अवेलेबिलिटी कराने की जो लेक है वो एकमात्र एक ही लेक है, तो मतलब पानी के सोर्सेज नहीं है, वो ग्राउंड वाटर है बहुत जल्दी खत्म होता जा रहा है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए बीबीसी के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसमें यूपीएससी मैंने ये पूछ सकती है कि इंडिया की कौन सी ऐसी सिटी है जो इसमें भी इस लिस्ट में शामिल की है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये इंडिया की जो बेंगलुरु सिटी है उसको, और जो वर्ल्ड की नंबर वन सिटी रखी गई है वो है साओ पाउलो, जो कि ब्राजील की फाइनेंशियल कैपिटल है, और इंडिया की आपको पता है फाइनेंशियल कैपिटल है वो कौन सी है? मुंबई। और सेकंड नंबर पर रखा गया है बेंगलुरु को, कि बेंगलुरु में पानी की समस्या है वो बढ़ने वाली है, पानी के क्राइसिस आने वाले हैं, तो उसको लेके ही है न्यूज़ आई है। तो हमें इसके बारे में बेसिक एक दो पॉइंट थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो है अटल भूजल योजना के बारे में। तो इसके बारे में देखते हैं कि अटल भूजल योजना है क्या। देखो ये मेनली वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री के द्वारा स्कीम लेके आई गई है, और इस स्कीम में ये प्रावधान किया गया है कि भाई जो भी जल के वाटर रिसोर्सेज हैं उनको एक तरीके से ढंग से मैनेजमेंट उनको मैनेज है वो किया जाए, इसके साथ ही जो कम्युनिटी है उनकी भी कोई ना कोई भागीदारी होनी चाहिए ताकि इनका इनको रिचार्ज दिया जा सके। अभी देखो हो यह रहा है हमारे देश में ग्राउंड वाटर है वो तीव्र गति से बाहर निकाला जा रहा है, मतलब ग्राउंड वाटर का बहुत तेज़ी से उपयोग हो रहा है। क्यों ग्राउंड वाटर का उपयोग तेज़ी से इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो बारिश इनरेगुलर हो रही है, तो किसानों को सिंचाई वगैरह करने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसके साथ इंडस्ट्री वगैरह को भी पानी की जरूरत होती है, तो वो क्या कहते हैं ग्राउंड वाटर को यूज़ कर रहे हैं।
तो आपको पता है ग्राउंड वाटर तो लिमिटेड है, तो अगर ग्राउंड वाटर ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और उसे वापस रिचार्ज नहीं किया जा रहा है, मतलब बारिश का पानी वापस रिचार्ज नहीं हो रहा उस साइकिल के थ्रू, तो दिक्कत और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो उसी को लेके स्कीम लेके आएगी गवर्नमेंट कि भाई जो पानी है उसको वापस से रिस्टोर किया जाए, मतलब रिचार्ज करने के लिए, कि जो कुएँ हैं उनको रिचार्ज करने के लिए, ताकि जब भी बारिश वगैरह हो तो ग्राउंड वाटर का पानी है उसको कम से कम यूज़ किया जाए। और ज़्यादा फोकस इस चीज़ पर रहेगा कि जो लोकल कम्युनिटी और जो लोकल समुदाय के लोग हैं उनकी हेल्प से पानी का जो उपयोग है उन्हें जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ही यूज किया जाए, ऐसा नहीं कि पानी को वेस्ट किया जाए, और उसी के साथ ही ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को फोकस करते हुए गवर्नमेंट यह स्कीम है वो लेके आएगी कि बैकग्राउंड वाटर पर निर्भरता कम हो। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट ने अभी इसके लिए 6,000 करोड़ का फंड है वो जारी किया, तो वो फंड की अमाउंट तो हमें याद नहीं रखनी है, बट ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह फंडेड है, तो ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उसमें मैंने जो 50% फंड है वो तो दिया जाएगा ग्राम पंचायत वगैरह को इनको, ताकि वो क्या है कि पानी के कुशलतम प्रयोग के लिए, मतलब क्या है कि अपने जो भी प्लान्स वगैरह वो कर सकें। इसके साथ ही 50% फंड है वो दिया जाएगा इंस्टीट्यूट वगैरह को, ताकि वो रिसर्च वगैरह कर सकें और किस तरीके के हमें स्टेप उठाने उन सारों को। तो कुछ बेसिक सी न्यूज़ थी तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड है। अब चलते हैं हम आगे, अगले जो जो हुआ है एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में। मेनली कंटेक्स्ट वो चाइना से रिलेटेड है कि चाइना है वो स्टील का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर रहा है और इंडिया में डंप कर रहा है, तो उसको लगे, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुआ है एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है। अब सबसे पहली बात तो यह कि डंप क्या होता है, डंपिंग क्या होती है, वो चीज़ हमें जाननी है। तो देखो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग डंपिंग की जो डेफिनेशन है उसमें ये कहा गया है कि भाई इसे एग्जाम्पल से लेते हैं, जबकि जैसे चाइना के अंदर ये मान लो कि चाइना के अंदर जैसे एक कंप्यूटर है, उसको एग्जांपल ले लो कि चाइना के अंदर कंप्यूटर है वो 300 रुपये में बन रहा है, जबकि चाइना क्या कर रहा है, चाइना अपने कंट्री में, चाइना अपने ही देश के अंदर तो बेच रहा है उसे 350 रुपये में, और इंडिया में उसे बेच रहा है 250 रुपये में। मतलब क्या हो रहा है कि इंडिया में वो डंप कर रहा है, वहाँ के मार्केट में जो प्राइस है उससे भी सस्ते में इंडिया में बेच रहा है, तो इसको कहते हैं डंपिंग, कि मतलब जो अपने घरेलू इंडस्ट्री में जो उसकी रेट होती है उससे भी सस्ते दामों में दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करना है, वो आता है डंपिंग। तो इसके लिए भी इंडिया क्या करेगा, इसके लिए भाई इंडिया करेगा, इंडिया को नुकसान होने वाला है, इससे इंडिया को नुकसान क्या होगा और इंडिया क्या स्टेप उठाएगा। सबसे बड़ी बात है इंडिया को नुकसान ही होगा कि इंडिया के अंदर सस्ती मात्रा में जैसे 250 रुपये में कंप्यूटर इंडिया में आ रहा है, तो आप जानते हैं कि ऑब्वियसली इंडिया की जो घरेलू कंपनी है जो भी कंप्यूटर बना रही है उनको दिक्कत आएगी, कि वो इतना सस्ता बना नहीं सकती, तो उनको उनका बिजनेस तो चौपट हो जाएगा, तो इसलिए दिक्कत कही इनको दिक्कत आ जाएगी, घरेलू इंडस्ट्री वो बंद होने शुरू हो जाएंगी। तो इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए और घरेलू इंडस्ट्री को मतलब प्रोत्साहित देने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि जो डंपिंग की जा रही है चाइना के कंप्यूटर द्वारा, इसके ऊपर क्या है ड्यूटी लगा देती है, कि कस्टम ड्यूटी लगा दी। मैंने डंपिंग ड्यूटी अलग से लगाई जाती है, आपको बता दूं कि डंपिंग ड्यूटी लगा दी कि हाँ भाई 40% डंपिंग ड्यूटी लगा दी, तो फॉर एग्जाम्पल 250 का 40% मतलब मान लो कि 100 रुपये हो गए, तो 100 रुपये इसके ऊपर एक्स्ट्रा लग जाएंगे। मतलब अब इंडिया में एक कंप्यूटर 350 में बिकेगा, तो अब इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो 300 रुपये में आराम जितना भी प्रोडक्शन हो कर सके, मतलब इंडिया को लॉस ना हो, घरेलू इंडस्ट्री को बचाने के लिए स्टेप उठाया जाता है। तो इसके बारे में जो पॉइंट्स थे हमने डिस्कस किए, क्या एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है, किस तरीके के इसके लॉस होते हैं, क्या पॉइंट्स हैं। मैनली जो घरेलू इंडस्ट्री होती है उनको ज़्यादा नुकसान होता है इससे, इसलिए गवर्नमेंट ये स्टेप लेके आई है। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो आई है WFIRST, डब्ल्यू फॉरेस्ट के नाम से आइए, तो देखते हैं क्या इसका मतलब। ये है कि वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। अब देखते हैं कि है क्या, सबसे बड़ी बात तो इसका पॉइंट ही आता है हमारे लिए। तो यह एक टेलीस्कोप है जो कि नासा के द्वारा डिजाइन किया गया था, कंटेक्स्ट तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं बिल्कुल, बट इसमें UPSC यही पूछ सकती है कि आजकल वर्ड न्यूज़ में एक वर्ड था डब्ल्यू फॉरेस्ट, तो यह किससे रिलेटेड है। तो यह ध्यान रखना कि एक टेलीस्कोप है जो कि नासा के द्वारा बनाया गया था, उसको लेके न्यूज़ है, तो हम इसके बारे में ध्यान रखें। इसके साथ ही देखो 2-3 टेलीस्कोप और हैं जो भी न्यूज़ में रहते हैं, तो उनके ऊपर भी UPSC क्वेश्चन पूछ सकते। एक तो था हबल स्पेस टेलीस्कोप, दूसरा था चंद्र एक्सरे टेलीस्कोप, और तीसरा था जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो अभी तक लॉन्च नहीं किया गया, इसे भी लॉन्च किया जाना है, अभी ये पेंडिंग में। तो ध्यान रखना कि 2-3 टेलीस्कोप है, इसके बारे में UPSC पूछ सकते हैं किससे रिलेटेड वगैरह, कोई इंस्टीट्यूट है क्या है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो आई इंदिरा गांधी नहर के बारे में, इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में। कंटेक्स्ट एक्चुअली है कि गवर्नमेंट इसके लिए फंड है वो एलोकेट कर रही है, ताकि इसका एक तरीके से वापस से इसको रिनोवेट वगैरह वो किया जा सके और इसकी लंबाई वगैरह को बढ़ाने वगैरह के लिए। अब हमारे लिए UPSC एक तो पूछे कि इंदिरा गांधी नहर है वो कौन कौन से स्टेट में फैली हुई है, तो यह हमें ध्यान रखना इसकी लोकेशन है वह पंजाब और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में, मैक्सिमम एरिया वो राजस्थान में। और इसका मेन जो फोकस था इस नहर का वो ये था कि राजस्थान का जो डेजर्ट वाला एरिया है, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान है, उस वाले एरिया में पानी की उपलब्धता है वो करवाना, मतलब वहाँ पर पीने का पानी और सिंचाई के लिए पानी की अवेलेबिलिटी करवाने के लिए इस नहर का निर्माण वो किया गया था। अब ये नहर कहाँ से निकलती है, निकलती है मतलब हरिके डैम से, जो कि सतलज और व्यास नदी के मिलने के संगम के ऊपर है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इंडिया के लार्जेस्ट प्रोजेक्ट में से एक है, लोकेशन हमने देखी, तो एक बार हम इसको मैप में देख लेते हैं।
ये है मैनली इसकी लोकेशन, आई होप आपको दिख पा रही है। ये है मैनली, आप यहाँ से देख सकते हो, ये है यहाँ पे व्यास रिवर है और यहाँ पे है सतलज रिवर। तो सतलज और व्यास दोनों रिवर यहाँ पे आके मिल रही हैं और इसी वाले एरिया में यहाँ पे ये है हरिके बैरेज, और इसी हरिके बैरेज से यहाँ से हेड केनाल निकलती है और फिर ये केनाल यहाँ से होते हुए ये राजस्थान के जो वेस्टर्न एरिया है, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान है, उस वाले एरिया में यह मेनली पानी की सप्लाई के लिए बनाई गई है। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें दो स्टेट ही शामिल है, पंजाब और राजस्थान। तो इसमें हमें कन्फ्यूज नहीं होना है इस पे, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन से वो पूछ सकती है। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो एक छोटी सी न्यूज आई है वो आई पश्चिम लहर के बारे में। तो पश्चिमी लहर है वो मेनली ट्राई सर्विस मेरीटाइम एक एक्सरसाइज है, किस किस के बीच में, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे वो है कोस्ट गार्ड, मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड है वो भी इसमें शामिल है। यह ध्यान रखना है हमें कि कोस्ट गार्ड, देखो कोस्ट गार्ड का मेनली काम ये होता है कि जो कोस्टल एरिया की सिक्योरिटी होती है उसकी जिम्मेदारी कोस्ट गार्ड ही होती है। जो आर्मी नेवी होती है उसका काम होता है कि कोस्ट के जो बाहर का एरिया होता है, मतलब जहाँ पे एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है उस वाले एरिया में नेवी की फैसिलिटी होती है, बट कोस्ट गार्ड पर एक तरीके से जो पुलिस का काम करती है उसे कहते हैं कोस्ट गार्ड सर्विस। तो ये हमें ध्यान रखनी है कि इन चारों के बीच की एक एक्सरसाइज है, इसमें हमें कन्फ्यूज नहीं होना। यूपीएससी पूछ सकते हैं कि ओनली नेवी, आर्मी और एयरफोर्स शामिल है, नहीं, बिल्कुल भाई कोस्ट गार्ड भी यहाँ पे शामिल है। अब चलते हैं आगे। एक छोटी सी न्यूज है वो आई आई है कि वेस्ट बंगाल है वो इंडिया का पहला ऐसा स्टेट है जो कि नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है, जो इस बार के बजट में लेके आई है गवर्नमेंट, उसका मेंबर नहीं है, मतलब उसने इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। क्यों? उसका ऐसा कहना है कि वहाँ भी उनकी स्टेट गवर्नमेंट ने पहले से ऐसी स्कीम वो चला रखी है, तो इसलिए उनको जरूरत नहीं है। तो ये यूपीएससी पूछ सकते हैं कि कौन सा स्टेट है उन्होंने नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम में शामिल नहीं है। तो बेसिक सा था तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, खैर ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है मेनली एंटी नारकोटिक स्कीम के बारे में, कि एंटी नारकोटिक्स जो स्कीम है उसके बारे में। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि यह होम अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा संचालित स्कीम है। दूसरा यह कि इस स्कीम का मोटो है वो ये है कि जो इंटर स्टेट और जो क्रॉस बॉर्डर में जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है उसको कंट्रोल करना, और इसके लिए फाइनेंशियल फंड है वो दिया जाएगा। दोनों स्टेटमेंट से इतना ही, कौन सा सही है कौन सा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है एस सी ओ के बारे में, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि 2018 का समिट कहाँ होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है उमंग ऐप के बारे में, कि उमंग ऐप है वो किससे रिलेटेड है। तो इस पे यूपीएससी क्वेश्चन है वो पूछ सकती है, क्योंकि भी उमंग ऐप और जो और आधार ऐप है इसको गवर्नमेंटल जो सबमिट हुआ था उसके तहत अभी इनको अवार्ड है वो दिया गया। तो ये बेसिक सी न्यूज़ थी, तो आपको बताना कि उमंग ऐप किससे रिलेटेड है। कल का क्वेश्चन था मेनली, कल के क्वेश्चन में देखो कुछ इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, वो एक तो ये था कि कौन से स्टेट हैं जिन्होंने किसानों के लिए कर्ज माफी भी मतलब जारी की है। तो उसमें मेनली है, उसमें एक तो है यूपी है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, कर्नाटका है, और मध्य प्रदेश हुआ और राजस्थान, ये स्टेट हैं। क्योंकि अभी देखो रिसेंटली राजस्थान ने अनाउंसमेंट किया था कि किसानों के लोन है वो माफ़ करें, तो उसी को लेकर न्यूज़ थी, तो यूपीएससी मेनली पूछ सकती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन था कि फॉरेस्ट एरिया कौन से एरिया में बढ़ा है। तो देखो जो फॉरेस्ट एरिया है इंडिया में वो कर्नाटका, केरला और आंध्र प्रदेश में बढ़ा है, जबकि नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट था मिजोरम वहाँ पे स्टेट में घटा है। तो यूपीएससी पूछ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था हवासोंग के बारे में, कि हवासोंग 15 क्या है। तो यह मेनली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि नॉर्थ कोरिया के द्वारा डेवलप की गई थी। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।